Hello students, now I will explain the science of class 8. Today I will start the lesson 5. Its name is coal and petroleum. आज हम लोग lesson 5 start करेंगे और इस lesson 5 का नाम है coal, कोयला and petroleum. और यह जो हम लोग जमीन से petroleum oil निकालते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं जिससे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और बहुत सारी तरीके की चीज़ें बनती हैं, इसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. तो आज हम इसी इन्हीं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. जो चीज़ें हम ज़मीन से निकालते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं. नेचुरल रिसोर्स पहली हेडिंग है कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, हम इसको समझते हैं. आवर नेचर हैज़ गिवन अस वेरियस थिंग्स सच एज एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉयल एक्सेट्रा. प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे हवा, पानी, जंगल, बहुत सारे मिनरल्स, सॉयल मतलब मिट्टी. ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं जो हमें नेचर ने दी हुई हैं. दीज थिंग्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हीं चीज़ों को जो हमें नेचर से मिली हुई हैं, इन्हीं चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दैट आर गिवन टू अस फॉर आवर सर्वाइवल. प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचर के फ्री गिफ्ट हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे ज़िंदा रहने में सहायक हैं. इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? पहला है लैंड एंड वाटर, मिट्टी और जल. दूसरा है प्लांट एंड एनिमल, सभी पौधे और एनिमल्स जानवर. थर्ड है एयर एंड सनलाइट, हवा और सूर्य का प्रकाश. फोर्थ है मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और मिनरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं. डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर हम समझें कि इनकी मात्रा हमारे नेचर में कितनी है, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं, अगर हम उस हिसाब से समझें तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से बांट सकते हैं. एक है इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी नहीं समाप्त हो सकते हैं, और दूसरा है एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका अगर हम लगातार इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इनकी मात्रा धरती के अंदर कम है, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं. अब पहली हेडिंग है स्टूडेंट्स इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, न समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे लिए कभी समाप्त नहीं होंगे वो क्या क्या हैं. इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर. तो इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होंगे. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स जो असीमित मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे नेचर के अंदर हैं, इनको हम इनएग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दे कैन नॉट बी एग्जास्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, और हम अपनी एक्टिविटीज़ से इन्हें समाप्त नहीं कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या क्या है स्टूडेंट? सनलाइट सूर्य का प्रकाश, एयर हवा, वाटर पानी, ये सभी चीज़ें अनलिमिटेड हैं. नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर एंड आर लाइकली टू बी गेट एग्जास्टेड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो सीमित मात्रा में हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, और इन्हें अगर हम लगातार यूज करें तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम एग्जास्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 68 देखेंगे, 68 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, समाप्त हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका क्या क्या एग्जाम्पल है? कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, खदानों से मिलते हैं, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और अगर हमने इनका लगातार इस्तेमाल किया तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म्स। ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, इनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसी कारण से इन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता है और अगर ये समाप्त हो गए तो हम इन्हें इमिडिएटली तुरंत नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और सनलाइट है जैसे स्टूडेंट्स, ये तो हमेशा आ रही है सूर्य से, तो हमेशा हमें मिल रही है, इसलिए यह इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होती है। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ये जो आसानी से नहीं बनते हैं, जिनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं और अगर हमने इन्हें समाप्त कर लिया तो हम इन्हें तुरंत नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इन्हें हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड फास्टर देन न्यू सप्लाईज कैन बी फॉर्म्ड अगेन। दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड फास्टर, इन्हें हम जिस हिसाब से खुदाई कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इन्हें ज़मीन से, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे और इन्हें हम फिर से दोबारा हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है फॉसिल फ्यूल्स। द फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हमारी धरती के अंदर लाखों करोड़ों साल से, जो लाखों साल पहले धरती के ऊपर जो प्लांट्स थे और एनिमल्स पाए जाते थे, जब ये मर गए और ये धरती के ही नीचे दब गए, इनके ऊपर मिट्टी पड़ गई, तो इनका जो भाग बचा हुआ था ज़मीन के अंदर, जो पूरी तरह से ढक गया था, वह बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में यह फॉसिल फ्यूल्स में बदल गया, पेट्रोलियम और कोयले में बदल गया। और इसके एग्जांपल क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं। एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारी धरती लगभग 4.6 अरब साल पहले या बनी है धरती हमारी, और बहुत समय तक तो इसके ऊपर कोई भी जीव नहीं थे, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर प्लांट्स बने, तो फिर प्लांट्स बहुत ज़्यादा, पूरी की पूरी धरती प्लांट्स से घिर गई, जहाँ पर भी धरती का सरफेस था वहाँ पर पूरे के पूरे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स उगाए, और जो ओशन पार्ट था जिसमें समुद्र थे उसमें भी एल्गी और बहुत सारे वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स खूब सारे मात्रा में थे। स्टूडेंट्स जब ये प्लांट्स की डेथ हुई, जब ये टूट के गिरे, सड़े, बहुत सारी ये प्रोसेस चलती रही, ये धरती के नीचे दबते गए और धरती में रिवोल्यूशन भी हुआ, मतलब क्रांतियाँ भी आई जिसे हम कहते हैं, प्रलय भी हुआ धरती पर, जिसमें पूरी पूरी धरती जो है इस तरीके से पलटी, पलटी इन द सेंस इस तरीके से उथल पुथल हुआ धरती के ऊपर कि जहाँ आज समुद्र है, जहाँ आज पहाड़ है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था और समुद्र की जगह पहाड़ बन गए, तो इसमें पेड़ पौधे सब धरती के अंदर दब गए और नीचे, चूँकि धरती के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है धरती का कोर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर के प्रेजेंस में और अगर इसके ऊपर जब मिट्टी पड़ जाती है तो ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, तो ये जो प्लांट और एनिमल पार्ट थे, ये सब प्लांट पार्ट तो कोयले में बदल गए और प्लांट एनिमल्स बहुत सारे जो रिमेन्स थे तो ये सब पेट्रोलियम ऑयल में चेंज हो गए। समुद्र की तलहटी में जो बहुत सारे जीव थे ये भी धीरे धीरे दबते गए, जब इनकी डेथ हुई तो ये समुद्र के नीचे दब गए, इनके ऊपर फिर मिट्टी पड़ गई, तो इस तरीके से ये भी दबते गए और ये भी पेट्रोलियम में चेंज हो गए, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस में, फॉसिल फ्यूल्स में भी चेंज हो गए, तो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स धरती के ऊपर बने।